हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको अपना किचन दिखा रही हूँ। तो ये मैंने कैबिनेट से स्टाइल में रखा हुआ है। तो ये मेरा ओवरऑल है किचन का। तो मैं एक तरफ से स्टार्ट करती हूँ और आपको दिखाना शुरू करती हूँ। तो चलिए, ये सबसे पहले जो है ये मैंने एक मेरा छोटा सा कैबिनेट रखा हुआ है। इसके ऊपर जो है ये मैं एक मेडिसिन का बॉक्स रखती हूँ, जो कभी भी थोड़ी बहुत मेडिसिन लगती हैं अचानक से, तो वो यहाँ पे रखा रहता है। ये मैंने एक पुट्ठे का जो कार्टन है वो मैंने यूज़ किया था और इसको कवर कर दिया था। तो ये काफ़ी टाइम से मैं इसको इसी तरीके से यूज़ करती हूँ। इसके पीछे जो है आप देख सकते हैं कि ये एक बॉटल है। तो ये जो स्टील की बॉटल है ये रेगुलर हम जब भी बाहर जाते हैं तो यूज़ करते हैं, अभी तो नहीं जा रहे हैं। तो ये इसको मैं इसीलिए यहाँ पे हैंडी रहता है करके मैं यहाँ पे इसको हमेशा परमानेंट रखती हूँ। इसके पीछे आप देख सकते हैं ये जो दो तीन जो प्लास्टिक की जो बॉटल्स हैं ये जूस की हैं। इसको अभी जूस ख़त्म हुआ तो सब मैंने धोया है और धो के सुखाने के लिए आप रख यहाँ पे रखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं सूखा नहीं है अभी। इसके बगल में है ये एक ग्लास में स्पून और फोक रहता है, तो ये यहाँ से निकालने में इजी रहता है। हम लोग हॉल में नाश्ता वगैरह करते हैं तो यहाँ से इसको तुरंत निकाल सकते हैं। इसके बगल में आप देख सकते हैं ये मिक्सी है मेरा। तो मिक्सी थोड़ा सा भी प्रॉब्लम कर रहा है तो इसलिए यहाँ पे एक स्क्रू ड्राइवर रखा हुआ है। तो अभी हम बाहर जाके इसे रिपेयर नहीं करवा सकते, तो अभी टेम्परेरी घर पर इसको रिपेयर करके इस तरीके से काम चल रहा है। तो ये जो है ये टॉप है मेरा कैबिनेट का। अब चलिए हम अंदर देखते हैं। तो ये जो है ये मेरे प्लेटफॉर्म से सबसे लास्ट में, मतलब दूर में वाला ये कैबिनेट है। तो इसमें जो मैं सारा सामान रखती हूँ वो कम यूज़ करने वाला सामान है, जो गेस्ट आते हैं उसके लिए यूज़ होने वाला सामान मैंने रखा है। तो ये जो है ये टिफ़िन के जो कवर्स हैं, हस्बैंड और लावी जो लेके जाते हैं स्कूल और ऑफिस, ये उनके कवर हो गए। इसके पीछे जो है ये बड़ा कुकर है, ये भी फ़िलहाल यूज़ नहीं हो रहा है तो मैंने इसे पीछे रख दिया है। और ये जो है यहाँ पे ये जो कुछ आप प्लेट्स देख सकते हैं और ये छन्नी देख सकते हैं, ये सारी जो चीज़ें हैं ये पूजा के लिए यूज़ करती हूँ मैं। रेगुलर यूज़ में नहीं आता। ये एक एल्यूमिनियम फॉइल का एक रोल रखा हुआ है। तो ये मेरा फर्स्ट शेल्फ हो गया। नाउ सेकंड जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बड़ी वाली कढ़ाई है, ये भी गेस्ट आने पे यूज होती है। इसमें से ये जो है ये मैं बीच बीच में यूज करती हूँ। तो ये मीडियम साइज की कढ़ाई है तो मैं इसको निकाल सकू करके मैं इसे ऊपर ही रख देती हूँ। यहाँ पे एक स्नैक्स बॉक्स मैंने बना के रखा है। तो ये मेरा पुराना राइस कुकर था, राइस कुकर खराब हो गया तो ये उसका जो कंटेनर है वो मैंने रख लिया है। तो इसमें आप देख सकते हैं काफी बिस्किट्स वगैरह दिख रही है, साइड में ये नमकीन दिख रही है। तो ये जो है हम इसे ओपन करते हैं और यहाँ से यूज करते हैं तो जो बची हुई बिस्किट्स है वो इस पे डाल देती हूँ। तो इसलिए एक अलग से यहाँ पे एक बिस्किट का बॉक्स भी रख दिया है और जो ओपन नहीं रहता तो यहाँ से चूज करने के लिए यहाँ पे सब रख दिया है। इसके पीछे जो है ये एक इडली का स्टैंड है, बड़ा में है तो मैंने छोटा वाला ले लिया है। तो वो मैं ज़्यादा रेगुलर में यूज़ करती हूँ, ये बड़ा वाला भी जब गेस्ट आए तो ये यूज़ हो सकता है, इसलिए मैंने इसे पीछे रख दिया है। ये जो है ये पुराना चॉपर है, थोड़ा खराब सा हो गया है, टूट गया है तो मैंने इसे साइड में यहाँ पर रख दिया है। तो ये सेकेंड शेल्फ हो गया। नाउ थर्ड जो है आप ये देख सकते हैं ये बहुत बड़ा सा जो कंटेनर है, ये राइस पुलाव वगैरह बनाने के लिए काफ़ी अच्छा रहता है, 10 से 15 लोगों के लिए इजीली बन जाता है। तो इसके अंदर मैंने यहाँ पे टिश्यू पेपर्स रखे हुए हैं, एक्स्ट्रा जो टिश्यू पेपर्स रहते हैं वो यहाँ पे रख देती हूँ, वो दोनों तरीके से यूज़ हो जाता है, पूरी जगह का यूज़ हो जा रहा है। और इसके पीछे जो है ये आप कुछ प्लेट्स देख सकते हैं, ये चीनी मिट्टी की प्लेट्स हैं जो मेरे शादी के टाइम की हैं। इसमें से काफ़ी टूट गई हैं, सिर्फ 3 ही बची हुई हैं तो इसे मैंने यहाँ पे रखा है। ये गिफ्ट में मिला हुआ एक 3 का सेट का जार है, इसमें अचार वगैरह रख सकते हैं। तो ये डाइनिंग टेबल में सजाने के लिए काफ़ी अच्छा है, डाइनिंग टेबल फिलहाल है नहीं तो मैंने इसे यहाँ पर रख दिया है। और ये एक राइस की प्लेट है जो आप कभी कभी मेरे वीडियो में देखते हैं, डिस्प्ले करने के काम आती है। और ये कुछ वेफर्स अभी हमने रिसेंटली लाया था तो उसको भी मैंने यहाँ पे रख दिया है। तो कुछ स्नैकिंग के आइटम भी मैं यहाँ पे रख देती हूँ तो ये हैंडी रहते हैं खाने के लिए, यहाँ से लावी या उसके पापा निकाल लेते हैं। इसके नीचे जो है ये मेरी फाइबर की प्लेट्स हैं और ये स्टील की प्लेट्स हैं। तो ये जो थाली हैं एक्चुअली ये गेस्ट आने पर यूज़ होती हैं और ये कुछ इसमें छोटी वाली नाश्ते वाली प्लेट्स हैं। और ये जो है ये सॉसर है, ये मुझे काफ़ी अच्छे लगे तो मम्मी के से के यहाँ से मैं लेके आई थी। इसके जो कप्स हैं सारे उनके टूट गए तो मैंने ये सॉसर उनसे ले लिए, ये छोटी प्लेट्स की तरह यूज़ हो सकते हैं। तो ये मेरा एक कैबिनेट हो गया। अब हम चलते हैं दूसरे कैबिनेट की तरफ। तो ये जो दूसरा कैबिनेट है ये फुल साइज कैबिनेट है।
तो ये हाफ हाफ पोर्शन में ऐसे खुलता है। तो ये आप कह सकते हैं ये मैंने एक पैंट्री की तरह इसे यूज किया है, इसमें सारे मेरे डब्बे हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, जो ये सबसे ऊपर वाले जो डब्बे हैं ये आप देख सकते हैं प्लास्टिक के डब्बे हैं, ये पुराने डब्बे हैं, इसमें से बहुत सारे डब्बे मैंने निकाल दिए हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि कुछ अलग अलग साइज के, अलग अलग कलर वगैरह के दिख रहे हैं। तो ये बचे हुए जो यूज कर रही हूँ ये वो हैं, इसे बहुत सारे मैंने गार्डनिंग के लिए यूज कर लिए हैं। और ये कुछ जो बचे हैं, अभी मैं फिलहाल कुछ डब्बे ले नहीं पाई थी लॉकडाउन की वजह से, जो मैं सारे कांच के डब्बों में कन्वर्ट करने वाली हूँ, तो इसीलिए ये बचे हुए इसे यूज कर रही हूँ। नेक्स्ट जो है ये स्टील के हैं और उसके बाद कुछ कांच के हैं। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। तो ये जो छोटे डब्बे हैं इसके पीछे भी कुछ डब्बे आपको दिख रहे होंगे जिसमें कुछ मैदा वगैरह और घी वगैरह रखा हुआ है। और ये जो छोटे डब्बे हैं इसमें आप देख सकते हैं कुछ में नमकीन है, इसमें शक्कर है। और ये जो है ये मेरी मेडिसिन है काढ़े के लिए, पतंजलि से जो मैंने लिया है, मुझे बैक का प्रॉब्लम है तो उसके लिए मैं ये कभी कभी पीती हूँ। और उसके बाद जो ये है ये पास्ता है और इसमें थोड़ी सी दाल बची हुई है। और ये खाली है डब्बा और इसमें बेसन है और इसमें और नमकीन है। इसके पीछे जो है इसमें बड़ा जो डब्बा दिख रहा है ये हल्दी का है, उसमें हल्दी स्टोर करती हूँ। तो इतने ही मेरे पास कुछ जो मेरे स्टील के प्लास्टिक के बचे हैं ये वाले डब्बे हैं। उसके बाद ये जो है ये वाले आप देख सकते हैं ये स्टील वाले जो डब्बे हैं, ये मैं लॉकडाउन के पहले कुछ खरीदी थी डी मार्ट से। तो ये तीन का सेट मिलता है, ये बड़ा वाला, ये मीडियम और ये छोटा वाला, इस तरीके से ये मैंने कलर किया है। बाकी ये प्लेन ही मिलते हैं। तो ये तीन का सेट जो रहता है ये 300 का मिलता है। तो ये मैं कुछ दाल वगैरह रखने के लिए और दूसरे आइटम रखने के लिए ये जो 1 kg के आसपास या 1/2 kg के आसपास जो आइटम रहते हैं वो रखने के लिए मैं लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं सब में मैंने स्टिकर लगा रखा है और इसमें नाम लिखा है, जैसे ये पीनट का है, उसके बाद यहाँ पे सोयाबीन है और यहाँ पे चना है, ऊपर आप बूंदी का देख सकते हैं। तो इस तरीके से इसमें से निकालने में ईजी रहता है। इसमें मूंग दाल है और इसके काढ़ा पाउडर है इस तरीके से, और सामने भी जो दाल है। तो इसमें जो एक प्रॉब्लम ये आई, अगर आप इसमें पूरे महीने भर इस तरीके से अगर रख दें और इसे खोल के ना देखें तो इसके अंदर कीड़े हो जाते हैं। अगर आप इसे रेगुलर यूज कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छा है, आप इसे यूज कर सकते हैं। लेकिन एज अ एयर टाइट आप इसे लॉन्ग टाइम इसमें सामान रखने के लिए इसे यूज नहीं कर सकते। तो इसलिए मैंने ये कुछ ही डब्बे खरीदे हैं और मैंने इन्हें बंद कर दिया खरीदना। बाकी जो है मैंने फिर प्लान किया है कि मैं सारे जो अपने आइटम है वो ज्यादा से ज्यादा कांच के डब्बों में रखूं। तो इसके नीचे आते हैं कांच के जो मैंने डब्बे लिए हैं, जो कांच के जो जार हैं आप ये देख सकते हैं। तो ये भी जो है यहाँ पे थोड़ा सा मेरा काजू बचा हुआ है, ये है पुराना है थोड़ा सा, तो ये बचा हुआ है। उसके बाद ये यहाँ पे जो है यहाँ पे एक पाउडर है, ये सर्दी खांसी के लिए यूज में आता है, तो ये पतंजलि का पाउडर है, मिक्स करके मैंने रखा हुआ है। नेक्स्ट जो है ये पीडियाश्योर है और ये पतंजलि का लावी के लिए ड्रिंक के लिए है। और यहाँ पे कैंडी है, ये भी पतंजलि से ली हुई, काफी अभी पतंजलि के प्रोडक्ट्स में यूज कर रही हूँ। तो ये आंवला कैंडी मैंने लिया है, इसके ऊपर जो है ये खाली है ये डब्बा, और इसके बगल में जो है ये जो है अभी कुछ डब्बे मेरे जो है आने बचे हैं। तो इसलिए आप देख सकते हैं कि ये कुछ पैकेट्स आपको ऐसे लूज में दिख रहे हैं, तो मैंने इसमें रबर लगा के रख दिए हैं। इसके लिए अभी फिलहाल मेरे पास डब्बे नहीं हैं। तो ये ओट्स का एक पैकेट है और एक ये लाल मिर्च का पैकेट है जो बघार के लिए लगता है। उसके बगल में भी जो प्लास्टिक के 2 डब्बे हैं, इसमें जो है ये तलने वाला पापड़ है और ये जो है ये ड्राई फ्रूट्स है, बादाम है। अब इसके पीछे जो है ये कुछ पीडियाश्योर के डब्बे हैं जो फिलहाल खाली हैं, कभी कभी बिस्किट वगैरह रखने के काम आते हैं। इसके पीछे जो है इसमें भी पापड़ है तलने वाला। अब हम सबसे पीछे जाते हैं, तो ये जो है ये इसमें सब में स्टिकर लगा हुआ है, इसमें राइस फ्लोर है, उसके बाद साबूदाना है, उसके बाद कॉर्न फ्लोर है, उसके बाद बाजरी, फिर ये ज्वार और ये मकई का आटा है। तो ये इस तरीके से ये सब मैंने जो मैं 1/2 kg के पैकेट्स लेती हूँ वो इसमें इजीली आ जाते हैं। तो ये वाले जो आप जार देख रहे हैं ये सब मैंने ये अमेजोन से खरीदा था, उसके बाद लॉकडाउन हो गया उस वजह से नहीं खरीदा है। अभी और भी अगर मैं परचेज करती हूँ तो मैं उसका रिव्यू जरूर दूंगी। तो ये काफी अच्छे लगे मुझे डब्बे। इसके आगे के जो डब्बे हैं ये वाले, ये इसमें भी मैदा रखा है, मैंने धनिया पाउडर जो है घर में पीस के रखा हुआ है।
इसमें रवा है और इसमें जो है सेसमे सीड है। तो ये भी, ये दो मैंने डी मार्ट से खरीदे थे, लेकिन इनसे ज्यादा अच्छी क्वालिटी मुझे इनकी लगी, तो मैं ये वाले और खरीदने वाली हूँ। मैं भी इनसे थोड़े बड़े जार में खरीदूं, तो उसको मैं अपने चैनल पे दिखाऊंगी। तो ये रहे, और ये इसमें भी पापड़ है, तो यहाँ पे कुछ एरिया भी फिलहाल हमने पापड़ ज्यादा लिए हैं, क्योंकि कभी कभी सब्जी लॉकडाउन में मिलती नहीं है, तो इसलिए ये पापड़ कुछ ज्यादा इस बार खरीदे हुए हैं। तो इस तरीके से इतने जार अभी मेरे पास ग्लास के जार हैं। मे भी आपको कुछ दिन में और भी जार मेरे चैनल पे देखने को मिले। तो इस तरीके से ये मेरा हाफ कैबिनेट है, जिसमें छोटे कम क्वांटिटी में खरीदने वाले आइटम मैं रखती हूँ, जैसे बेसन हो गया, दाल हो गई और बूंदी वगैरह हो गया, और कुछ आटे जो हो गए जो कम यूज में होते हैं, ये सारे मैंने सामान इधर पे रखे हैं। नाउ अब हम नीचे चलते हैं, नीचे वाले जगह पे हम देखते हैं। यहाँ पे जो है, अब आप ये देख सकते हैं, ये जो है नीचे वाला पोर्शन है। तो ये जो नीचे वाले पोर्शन में मैंने बड़े आइटम जो ज्यादा क्वांटिटी में लेती हूँ, ये वाले आइटम मैंने रखे हुए हैं। तो इसमें जो है ये सारे स्टील के डब्बे हैं, और ये काफी अच्छे रहते हैं बड़े आइटम रखने के लिए। तो आप देख सकते हैं ये सारे मेरे आइटम रखे हैं, और साथ में स्टिकर लगा के इसमें सब में नाम लिख दिया है। तो ये जो है ये राइस का डब्बा है, इसमें शुगर इस बार मैंने ज्यादा, मुझे क्वांटिटी में ऑनलाइन मंगाया था, ज्यादा क्वांटिटी में मिला तो मैंने इसमें रख दिया। शुगर है, पोहा हमें ज्यादा लगता है इसलिए पोहा मैंने इसमें रखा हुआ है। अब ये जो है ये अभी खाली है, मैंने वॉश किया था, तो जब भी हम वॉश करते हैं तो ये स्टिकर काफी अच्छा, ये भी मैंने अमेजोन से खरीदा था। तो स्टिकर जो है एज इट इज ही रहता है, इसमें फिर से आप नाम लिख लें फिर से ये काम में आ जाते हैं। तो ये कुछ मुझे 200 के अंदर का है ये स्टिकर, और इसमें कुछ 180 पीसेज हैं। तो इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, काफी अच्छा लगा मुझे ये। ये जो है इसमें राइस है, इसमें इडली राइस है। तो इस बार जो राइस है वो हमने 10 kg का पैकेट लिया था, तो ऐसा हाफ हाफ करके मैंने, ये कुछ एक में 5 kg के आसपास आ जाता है, तो इस तरीके से मैंने रखा है। और साइड में जो है ये टोस्ट का जो है फ्रेश पैकेट है, इसलिए यहाँ पे रख दिया है। इसके नीचे ही टोस्ट का बॉक्स है, तो जब इसके टोस्ट खाली हो जाएंगे तो वो मैं इसमें डाल दूंगी, इसलिए यहीं पे रख दिया है। इसके नीचे है ये आटा है, ये दो पैकेट में मैंने, दो डब्बों में मैंने ये आटा रखा हुआ है। तो आटा का भी हमने इस बार 10 kg का पैकेट लिया था। तो इस तरीके से ज्यादा क्वांटिटी वाले आइटम में इस तरीके से यहाँ पे रखती हूँ, यूजुअली जो राइस दाल वगैरह रहता है तो वो यहाँ पे आराम से आ जाता है। और सब में स्टिकर लगे होने से और नाम लिखे होने से ये काफी इजी होता है देखने में। तो इस तरीके से मेरा ये वाला कैबिनेट भी हो गया। तो ये वाला जो है ये नेक्स्ट कैबिनेट है, इसमें जो है ये थोड़ी मिक्स वाली चीजें हैं। तो सबसे ऊपर वाले पहले मैं शेल्फ में दिखाती हूँ। यहाँ पे आपको सारे टिफिन के बॉक्सेस दिख रहे होंगे और कुछ स्टील के डब्बे भी दिख रहे होंगे। ये सारे जो है टिफिन की तरह मैं यूज करती हूँ। ये जो है ये लावी के लिए मैंने खरीदा था, ये स्कूल में यूज करने के लिए। ये अंदर से जो है ये स्टील का है, ये डी मार्ट से लिया हुआ है। और ये जो स्टील के जो डब्बे दिख रहे हैं, इसके पीछे इसका कवर है। ये जब मैंने बीच में ऑफिस ज्वाइन किया था तो लावी डे केयर में रहती थी, तो उसके लिए इसमें खाना गर्म रहेगा करके मैंने ये खरीदा था। और ये जो है ये स्टील का, ये भी डी मार्ट से खरीदा हुआ है। ये स्टील के डब्बे भी डी मार्ट से खरीदे हुए हैं। इसके पीछे जो है आप देख सकते हैं कि कुछ जो है आपको टिफिन के जो बॉक्सेस दिख रहे हैं, ये सारे जो है लावी को रिटर्न गिफ्ट में बर्थडे में जब वो जाती है तो वो सब मिले हुए हैं, तो मैंने साइड में रख दिए। कभी कभी फ्रूट्स वगैरह देने के वो काम आ जाते हैं। और उसके बाद में जो है ये ऑर्गेनाइजर भी डी मार्ट से खरीदा हुआ है, तो ये काफी अच्छा है थोड़े छोटे मोटे आइटम ऑर्गेनाइज करने के लिए। तो ये जो है इसमें एक एक्स्ट्रा जो है ये ऑयल का पैकेट है, कुछ जो है ये इतनी मैगी है इसकी, और कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, आटा वगैरह है, पापड़ है। ये जो है एक्स्ट्रा जो स्टफ है जो अभी राशन के, ये मैंने लेके रखा है, ये मैंने थोड़े यहाँ पे स्टोर कर लिए हैं। कुछ जो है ये यहाँ से ये हैंडी रहता है तो ये मैंने साइड में रख दिया है। अब इसके नीचे आते हैं, नीचे आप देख सकते हैं कि काफी मसाले वगैरह हैं। जो मसाले हैं वो मैं यहाँ पे ये दो कैबिनेट्स में रखती हूँ, दो जो शेल्फ है इसमें रख लेती हूँ। तो ये जो है यहाँ पे भी आप एक छोटा सा पिंक कलर का जो देख रहे हैं ऑर्गेनाइजर जैसा जो मैंने बना के रखा है, ये एक्चुअली लावी का टॉय है। इसमें भी मैंने छोटे छोटे चीजें रखी हैं, जो जीरा हो गई, राई हो गया और कॉफी हो गया। और ये जो पैकेट्स हैं, कुछ ग्रीन टी के पैकेट्स बचे हुए हैं,
तो ये सारी चीजें मैंने इसमें रखी हुई हैं। ये जो है ये इंस्टेंट राइस बनाने के लिए इस बार मिल गया मुझे, तो फ्राइड राइस बनाने के लिए चिंग्स का, तो वो मैंने ले लिया है। तो ये हो गया। इसके लास्ट में आप ये कोने में एक स्टील का जो आइटम देख रहे हैं, ये जो है ये ग्रेटर है, तो ये मैं कभी कभी यूज़ करती हूँ, तो इसके लिए इसको यहाँ पे कोने में ही रख दिया है यहाँ पे। और यहाँ पे जो है ये चाट मसाला, गरम मसाला, पाव भाजी और सांभर मसाला वगैरह का एक्स्ट्रा पैकेट है जो अभी कुछ दिन पहले लाया था, तो वो यहाँ पे रखा हुआ है। अब इसके आगे जो है ये पूजा में मिला हुआ राइस है थोड़ा सा, तो इसलिए इसको यहाँ पे रख दिया। खीर वगैरह में डाल सकते हैं, ये एक मेडिसिन है मेरी। और इसके जो नीचे है ये वाला जो है ये जो है सॉस है, पिज्जा और पास्ता का सॉस है। और उसके पीछे भी जो है ये ग्रीन टी है। और एक दो छोटे डब्बे हैं इसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह हैं। इसमें जो है एक ड्रिंक का ये ड्रिंक का एक पाउडर है जो खत्म हो गया है फिलहाल, गर्मी में काफी यूज कर रहे थे पना वगैरह के लिए। और ये जो है सामने भी आप देख सकते हैं, ये जो है ये काली मिर्च है, ये थोड़ा सा जो है तिल है, तिल कभी कभी लगता है। और ये जो है ये एक माउथ फ्रेशनर है, इस तरीके से हींग वगैरह है। अब यहाँ पे जो है ये भी एक्स्ट्रा पैकेट्स मैंने यहाँ पे रख दिया है। ये पापड़ है, जैसे मैंने बताया इस बार काफी पापड़ लिया है हमने। और ये जो है ये रॉक सॉल्ट का पैकेट है, खत्म होने को आ गया था तो ये तब मैं ओपन करूंगी। ये वाला जो पैकेट है ये जो है ये कस्टर्ड पाउडर है, ये जो है हल्दी है। और इसके पीछे जो है ये वाला जो है इसको मैं बेकिंग के लिए जो सॉल्ट यूज करती हूँ ये वो है जब कुकर में बेकिंग करती हूँ तो। और उसके पीछे जो है ये एक बड़ा जो ऑयल है ये कोकोनट ऑयल है। और ये जो है ये मस्टर्ड ऑयल है, तो ठंड में मुझे मस्टर्ड ऑयल लगता है लावी की लहसुन वाला तेल की मैं उसको छाती में मालिश वगैरह करने के लिए, सर्दी खांसी के लिए काफी अच्छा रहता है बच्चों के लिए, तो वो मैं एक रखती हूँ। तो अभी बारिश शुरू हो गई है तो वो मैंने एक लेके रखा है। अब ये जो एक बड़ा डब्बा दिख रहा है ये मुझे इस बार जो है ब्राउन शुगर मिल गई थी, तो ये मैंने 1 kg ले लिया था, तो ये बड़े पैकेट में मैंने रख दिया है। तो यूजुअली जो चाय के लिए यूज करती हूँ तो या तो मैं ये ब्राउन शुगर यूज करती हूँ या तो ये जो है जैगरी यूज कर लेती हूँ, गुड़ जो है, तो इस बार पाउडर गुड़ नहीं मिला तो ये वाला गुड़ यूज कर रही हूँ या तो वो शुगर यूज कर रही हूँ। ये जो है ये सॉल्ट है और ये टी है, तो ये सारी चीजें बिल्कुल प्लेटफॉर्म के बगल में इसलिए रखी ताकि ये काफी हैंडी रहे। और इसे मैंने अंदर ही रखा है, कुछ दिन बाहर रख दिया था तो ये ऑयल से पूरा खराब हो जाता है। तो ये जो है ये सेकंड शेल्फ हो गया। अब इसके नीचे आते हैं, तो इसके नीचे जो आप देख रहे हैं जो छोटे छोटे सारे जो जार हैं ये सारे कांच के हैं और ये खरीदे हुए बिल्कुल भी नहीं है। जो भी हमारे कांच का जो भी आइटम आता है और उसके जो डब्बे होते हैं उसको मैं ये यूज कर लेती हूँ, जैसे अचार हो गया और अचार हो गया या सेजवान चटनी हो गई, ये सारी जो है ये आप देख सकते हैं इसमें लिखा भी हुआ है। ये चिंग्स की जो चटनी है हमने बीच में सेजवान वाली चटनी ली थी, ये सारे उसके डब्बे हैं। ये छोटे आइटम रखने के लिए काफी अच्छा है। और ये जो है हल्दीराम का ये सारे पैक जो डब्बे आए थे गुलाब जामुन रसगुल्ला के और कुछ हनी वगैरह के, तो ये वो वाले सारे हैं डब्बे। ये जो है ये शेजवान चटनी का बड़ा डब्बा बाद में आया तो ये मैंने ये दो लिया है, तो ये खत्म हो गया है। तो इसमें लावी का जो है चॉकलेट ड्रिंक के लिए रखा हुआ है। और ये जो है ये शहद अभी मैंने नया खरीदा है तो इसका बड़ा वाला जार मिला है मुझे। तो इन सब में मोस्टली मसाला है तो मैं एक एक करके दिखाती हूँ। तो ये जो है ये शेजवान चटनी ही है, इसमें मैंने बताया लावी का जो है ड्रिंक है, इसमें जो है कुछ बेल लीव्स है, इसमें जो है ये कार्डमम स्टिक है, इसमें मेथी है, कुछ में स्टिकर्स भी मैंने लगा रखे हैं, इसमें सांभर मसाला है, इसमें जो है ड्राई फ्रूट्स है और इसमें छोले है। तो कुछ जो है आइटम जो है ज्यादा है लेकिन फिर मैंने यहाँ पे रखा, जैसे मैंने बताया कि कुछ जो कंटेनर है अभी मैं खरीद नहीं पाई लॉकडाउन की वजह से, तो ये आप देख सकते हैं छोले जो है ये दो में छोले रखे हुए हैं। और ये कुछ कॉर्नफ्लावर है, ये जीरा है, ये काजू है, काजू को भी मैंने इसलिए दो में रखा है क्योंकि इसके लिए बड़ा डब्बा भी है नहीं मेरे पास। तो ऐसे कुछ आपको रिपीटेड आइटम भी आपको दिखेंगे, ये कोई सा पाउडर है मुझे खुद याद नहीं, ये खाली है। और ये सारा जो मसाला है ये मैं अपने बिरयानी वगैरह बनाने के लिए यूज़ करती हूँ। तो ये गुलाब जल है, ये खाली है,
ये इसमें जूस आया था, मैंने वॉश करके इसको रख लिया है। इसमें बीच में बूंदी रखी थी, फिलहाल ये खाली है। इसमें पिकल्स आए थे इस तरीके से, ये कुछ है। यहाँ पे दाल है और ये एक दो अभी मैंने वॉश करके, जैसे ही खाली हो जाता तो ये वॉश हो जाते हैं, वॉश करके रख लेती हूँ। इसमें जो है जीरा का पाउडर है और ये छोटा सा मैं ये रखती हूँ, इसमें जीरा रखती रहती हूँ। और ये छोले आप देख सकते हैं, तीनों में कंटिन्यू मैंने छोले रखे हैं, जब बड़ा कंटेनर आ जाएगा तो उसमें डाल दूंगी। ये है राई का है और ये काला नमक मुझे रोज लगता है नींबू पानी के लिए, तो ये खत्म हो गया है तो मैं इसे फिर रिफिल कर लूंगी। अब ये एक टिफिन जो है प्लास्टिक के, आप देख सकते हैं इसमें मैंने सारे सूप वगैरह को यहाँ पे रखा हुआ है। कभी अगर सूप बनाना हो तो ये इंस्टेंट सूप है, तो नॉर का और चिंग्स का ये मैंने कुछ सूप के पैकेट से रखे हुए हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे बेकिंग पाउडर है, यहाँ पे सोडा है, यहाँ पे इलायची है, यहाँ पे जो सेंधा नमक है, ये जो है ये पाउडर चीज है, यहाँ पे थोड़ा सा पीनट है, और ये वाले जो है ये चाय के मसाले हैं मेरे, और ये जो है ये पास्ता मसाला है, ये काली मिर्च है, और ये जो है ये सिनेमन पाउडर है। तो इस तरीके से ये वाला जो है, ये छोटे वाले सारे कंटेनर्स यहाँ पे रहते हैं, कुछ भी देखना हो तो इस तरीके से। ये काफ़ी हैंडी भी है, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती क्योंकि मैं शुरू से इसी तरीके से जमाती आ रही हूँ और इसी तरीके से यूज़ करते आ रही हूँ, तो मैं इसके लिए काफ़ी हैबिचुअल हूँ। तो इस तरीके से ये मेरा ऊपर वाला जो स्पाइस वाला जो कॉर्नर है ये कम्प्लीट हो गया। अब इसके नीचे आते हैं, नीचे जो है ये मैंने सारे बर्तन अपने रखे हुए हैं। तो सबसे पहले जो ये यहाँ पे जो मैं सारे बर्तन रखती हूँ, तो ये जो है स्टील के बर्तन है और ये जो लोहे के बर्तन है वो है, आप ये पैन देख सकते हैं, इसमें थोड़ा जंग लग गया है क्योंकि इसे मैं फिलहाल यूज नहीं कर रही हूँ। छोटे वाले तवे में ही सब डोसा और पराठे वगैरह सब बन जाते हैं। ये भी ये जो पैन है ये भी आयरन का पैन है, ये जो आयरन का पैन है ये कटलेट वगैरह बनाने के काम आता है। और इसमें जो है ये तीन का मैंने सेट कढ़ाई ली थी, ये भी मैंने अमेजोन से ली थी। तो ये जो है जो जिसमें ग्रेवी वाली सब्जी है, तो उसके लिए मैं ये स्टील की कढ़ाई यूज़ करती हूँ। यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कुछ डोंगे हैं आटा गूंथने के लिए, दूध गर्म करने के लिए ये लगते हैं मुझे, तो ये एक्स्ट्रा में है वो मैं यहाँ पे रख दी हूँ। और बहुत सारी जो है ये वाले जो हैं ये मैंने खरीदे नहीं है, ये सब पेरेंट्स से ही मिले हैं मुझे, या ये जो है ये शादी में आया था। और ये सारे जो है कढ़ाई के ढक्कन है वो भी मैंने यहीं पर रख दिया है एक के ऊपर, इससे काफ़ी जगह बच जाती है। यहाँ पे एक प्लास्टिक का बॉक्स है, ये जो है ये फ्रिज में मैं टोमेटो वगैरह रखने के लिए यूज करती हूँ, थोड़ा बड़ा है तो इसमें आ जाता है। और ये जो है ये पीतल की जो गंजी है, राइस बनाने के लिए या पानी रखने के लिए काफी अच्छी है। तो ये हो गया। अब इसके नीचे आते हैं, इसके नीचे जो है ये यहाँ पे एक बड़ा सा जो है कढ़ाई का ढक्कन है, कम यूज होता है तो मैंने यहाँ पे रख दिया। इसके नीचे जो है ये जो है ये इडली का स्टैंड है, तो ये जो इडली का स्टैंड है ये मैंने डीमार्ट से लिया है, तो ये इसमें जो है इडली जो है 12 इडलियां बन जाती हैं, तो ये छोटी फैमिली के लिए अच्छी है। तो मैं आजकल ये वाली स्टील का भी है तो मैं ये यूज करती हूँ। इसके नीचे जो है ये छन्नी है, तो ये मेरी राइस कुकर की जो मेरी खराब हो गई उसी की छन्नी जो है वो मैंने रखी हुई है, कभी कभी यूज में आती है। यहाँ पे जो है ये कुछ स्टील के डब्बे, यहाँ पे छोटी सी जगह खाली थी तो यहाँ पे स्टील के डब्बे कुछ आ जाते हैं, तो ये मैं रखी हूँ। तो ये एज अ टिफिन भी यूज करती हूँ, या लेफ्ट ओवर बच जाता है वो रखने के काम आता है। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे कुछ बड़ी थाली छोटी थालियाँ अभी यहाँ पे नहीं है, वो थालियाँ मैंने धो के रख दी है, बास्केट में ही है, वो सूख जाती तो यहाँ पे रखती हूँ। यहाँ पे एक और छन्नी है, ये भाजी वगैरह छान के इसमें निकालने के काम आती है। और ये बड़े कुकर में जब मैं दाल राइस वगैरह बनाती हूँ तो ये उसके डब्बे हैं। अब इसके नीचे आते हैं, इसके नीचे भी आपको ये दो डब्बे दिख रहे हैं स्टील के, तो इसमें ये इडली राइस और यहाँ पे उड़द दाल रहता है, तो ये मेरे जो इडली डोसा उत्तपम का जो बैटर है उसके लिए मैं इसको यहाँ पे अलग से रखती हूँ, यहीं से निकाल लेती हूँ, एक साथ इसीलिए रखा है। इसके बाद भी जो रखा है ये स्टीमर है, ये भी मैंने डीमार्ट से खरीदा था, ये काफी अच्छी क्वालिटी का है, तो इसके ऊपर जो है ये ग्लास का जो है इसका जो ढक्कन है, तो इसमें नूडल्स वगैरह भी बनाती हूँ और मोमोज वगैरह के लिए। तो ये इस तरीके से ये मेरे पास इधर इस तरफ ये दो बड़े कैबिनेट्स हैं।
तो ये कैबिनेट्स जो है ये काफी अच्छे हैं। अगर आप मॉड्यूलर किचन नहीं कराना चाहते तो इस तरीके से ये क्लोज कैबिनेट्स में काफी अच्छे से सामान रहते हैं, और ये मॉड्यूलर किचन से काफी ज्यादा चीप प्राइस में और रिजनेबल प्राइस में मिल जाता है। तो ये आप अपनी लोकल शॉप में पता कर सकते हैं। तो ये काफी अफोर्डेबल है और मूवेबल है, तो अगर आप मूव करते हैं कहीं तो आप इसे ले जा सकते हैं। अब ये छोटा वाला शेल्फ मैं दिखाती हूँ, जो इस तरफ जो मैंने यहाँ पे कुछ शेल्फ रखे हैं उसके नीचे का जो ये कैबिनेट है ये छोटा साइज का है। इसमें एक ड्रॉर है, तो हम ये ड्रॉर देखते हैं। तो ये ड्रॉर में जो है ये मैंने टिश्यू पेपर रखे हैं। इसके पीछे एक जो है यहाँ पे एक प्लास्टिक का जो है ग्लास जैसा, इसमें मैंने ये पेंसिल रखी है। इसी से मैं जब भी क्या कहते हैं उस पर अपने स्टील के डब्बों पे लिखना होता है इसी से लिख लेती हूँ जब वॉश करती हूँ। तो यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा रबर रखी रहती हूँ, और ये वाले जो बड़े वाले रबर हैं ये भी अच्छे हैं, जैसे थोड़े बहुत अगर पैकेट्स खोल लिया तो इसको लगाने का काम आता है। ये मैंने एक पैकेट ये भी रखा हुआ है। यहाँ पे जो है ये एक छन्नी है, और यहाँ पे एक मिर्ची का पैकेट है जिसको मैं यहीं पे अलग से ही रखती हूँ। तो ये छोटे से ड्रॉर में इतना ही सामान आता है, तो ये ड्रॉर हो गया। तो यहाँ पे जो है ये आप देख सकते हैं एक स्टील का कैसरोल है, उसके नीचे इसके पीछे इसके बगल में ये छोटा सा कैसरोल है, और उसके बगल में और एक पुराना कैसरोल रखा हुआ है। और ये जो है ये एक्स्ट्रा इस तरफ यहाँ पे फिलहाल जगह थोड़ी खाली है, अगर एक्स्ट्रा राशन लिया और दूसरे कैबिनेट्स में नहीं आते तो मैं यहाँ पे रख लेती हूँ। और ये जो है ये एक्स्ट्रा एक शॉपिंग बैग रखा है। इसके नीचे जो है ये मेहंदी के पैकेट्स हैं, और ये जो है ये कुछ आइस ट्रे वगैरह हैं, और कुछ डिस्प्ले करने के हिसाब से ट्रे वगैरह रखे हुए हैं। मैंने ये यूज नहीं होते हैं तो फिलहाल मैंने इसको ऐसे ही अंदर डाल दिया है। तो ये एक तरफ के पूरे कैबिनेट्स हो गए। अब इसके बगल में जो है ये सिलेंडर रखा हुआ है, और सिलेंडर के ऊपर भी मैंने यहाँ पे एक बॉक्स में और एक आप देख सकते हैं ये लकड़ी का जो है टोकनी जिसे बोलते हैं, इसमें मैं यूजुअली अपना गार्लिक रखती हूँ और इसमें छीलने वीलने का काम करती हूँ। तो इसको इस तरीके से अलग से यहाँ पे यहीं पे रख दिया है, वहां पे जगह है तो वो मेरा यूज हो गया है।